नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंदर, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस के बाहर, जहां पर दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में मजदूर और जो किसान हैं दिल्ली के आसपास के, वो जुटे हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन की ज्वाइंट फोरम ने देश भर में आज 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक राज्यपालों के यहाँ 3 दिन का महापड़ाव का ऐलान किया हुआ है। इसी कड़ी में आप देखेंगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर राज्यों में, राजधानियों में इसी तरीके से हजारों की संख्या में मजदूर किसान एक साथ जुटे हैं और 3 दिन का महापड़ाव एक तरीके से जारी रहेगा और तीसरे दिन हो सकता है राज्यपालों के माध्यम से ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे केंद्र सरकार को। इनकी 26 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि जैसे जानते हैं, जो 2 साल पहले जिस तरीके से किसान आंदोलन की शुरुआत भी 26 नवंबर को हुआ था और दूसरा 26 नवंबर हमारे देश में संविधान दिवस के तौर पर भी जाना जाता है, तो इन मजदूर किसानों का कहना है जो जिस तरीके से केंद्र सरकार मजदूरों और किसानों के अधिकारों को ख़त्म कर रही है वो संविधान विरोधी है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से सरकार ने किसान आंदोलन खत्म के बाद किसानों से जो वादे किए थे वो वादों की अभी तक पूर्ति नहीं हुई है, उल्टा किसान सरकार से वादा खिलाफी कर रही है। इसके लिए ये बड़े आंदोलन की एक भूमिका तैयार किया गया है, 3 दिन का महापड़ाव। हमने मजदूर किसान नेताओं से बात की, समझने का प्रयास किया इस महापड़ाव का क्या मायने हैं, क्या संदेश है देश के लिए और दूसरा इसमें क्या मुद्दे उठ रहे हैं और इस दौरान इस आंदोलन का आगे का रास्ता वो लोग क्या देख रहे हैं। जिन मुद्दों को मोदी सरकार ने, आने से पहले मोदी साहब ने ये कहा था कि मैं पहली ही कलम से किसानों की सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, वो सभी मुद्दे हैं, चाहे वो MSP का हो, चाहे बिजली बिल का हो, या फिर हम कहेंगे कि जो मोदी सरकार ने किसान आंदोलन ख़त्म करने के समय पे किसान के साथ जो समझौता किया था उस समझौते से मोदी सरकार बिल्कुल पीछे हट गई है। और जो केस वापसी की बात हुई थी वो केस वापसी के बातें भी झूठी रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब दिल्ली पुलिस के द्वारा किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो किसान आंदोलन के केस थे वो अभी भी ऐसे ही खड़े हुए हैं। दूसरा, हमारी एक शर्त ये थी कि MSP के ऊपर एक कमेटी बनाई जाए कि MSP किस प्रकार से किसानों को दी जाएगी, तो उस कमेटी का भी गठन जो है मोदी सरकार ने नहीं किया है। तो वही सारी चीज़ें हैं, उन्हीं बातों को लेके हम आए हैं कि किसान अभी भी घर पे वापस नहीं गया है। अगर भारत सरकार, मोदी सरकार अपने वायदे से पीछे हटेगी तो किसान जैसे 26 नवंबर को पहले आया था, आज वही याद दिलाने आए हैं कि आज भी वही 26 नवंबर है। या तो मोदी सरकार किसानों की और मजदूरों की बातों को मान जाए, अन्यथा हम आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। और अब ये सरकार जो है, जो केस पेंडिंग है उनके दोबारा से उनको जो है समन भेज रही है और उनको साथ में ये भी कह रही है कि भाई आप जो है शर्तें जो दे रही है साथ में कि अगर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उसके लिए आपको सारी सहमति देनी होगी कि आप आइंदा से कोई प्रदर्शन नहीं करोगे, कहीं भी खड़े नहीं होगे, कोई बात नहीं बोलोगे, ये सब इतनी सारी शर्तें कर रही है और हर तरह से अपने साथियों का विरोध करोगे, उनकी बातें उजागर करोगे। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप जो है आगे कभी भी कोई अपनी बात नहीं रखेंगे, हमारा दमन भी होता रहेगा और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसी अपेक्षा सरकार हमसे कर रही है, जबकि ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। आज यूनियनाइज नहीं होने दिया जा रहा, संगठित होने नहीं दिया जा रहा। हम अंग्रेजों के जमाने में आंदोलन करके, हमारा ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन सन 1924 में संगठित हो गया था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आ गया था, तब हमें अधिकार यूनियन बनाने को मिल गया था, तब हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदे की बातचीत के माध्यम से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आ गया था कि औद्योगिक विवाद कैसे हल किया जाए। लेकिन आज जब हम आज़ादी के 21वीं सदी में पहुंच गए हैं तो हमारी दुर्दशा और ये सरकार बिल्कुल आंख मूंदे हुए मजदूरों की तरफ से, 50 करोड़ असंगठित मजदूर है, सरकार कहती है हम इनको रोटी दे रहे हैं, सरकार कहती है हम इनको गेहूं दे रहे हैं, सरकार ये नहीं चाहती, वो चाहते है कि ये भिखारी के लाइन में रोटी के लिए लाइन में, ये मेहनत का जो मजदूरी काम करता है, खून बनाता है, देश बनाता है, निर्माण में लगा हुआ है, वो लाइन में लग करके अपनी रोटी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कटोरा लिए सरकार के दरवाजे पर खड़ी रहे और ये आत्मनिर्भर अपने बलबूते पर उनकी पढ़ाई भी ना कर सके, उनके लिए कोई काम ना कर सके। तो इसमें जो इश्यूज हैं वो इश्यूज तो कुछ तो पेंडिंग इश्यूज हमारे हैं, जो किसान आंदोलन के समय केंद्र सरकार ने वायदा किया था, केंद्र सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं कर रही है तो उसकी वायदा खिलाफी के खिलाफ तो ये था ही था।
अगर घर खाता कामगार की बात करें तो घर खाता कामगार महिलाएं घर में बैठकर छोटा छोटा काम करती है, सिलाई का करती है, बुनाई का करती है, एम्ब्रॉयडरी का करती है, और वही एम्ब्रॉयडरी जाकर किसी कंपनी में बहुत हाई रेट में जाता है वो मटेरियल, वो प्रोडक्ट। लेकिन लेकिन दिल्ली के अंदर जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं पूरे उनको मिलता कितना है? नियम मिनिमम कम से कम 50 रुपये पर घंटा मिलना चाहिए, पर पूरे दिन में भी वो 50 रुपये नहीं कमा पाती हैं। पूरा दिन जी तोड़ मेहनत, जिसमें उनके बच्चे भी लगे रहते हैं और वो भी लगी रहती हैं, घर का काम भी करती हैं, साथ में बच्चे संभालती हैं, साथ में ये काम भी करती हैं। तो महिलाओं की स्थिति हम बोलेंगे कि बहुत अच्छी नहीं है। वो आप किसी भी वर्ग में उठा लो, आप निर्माण मजदूर में ले लीजिए, निर्माण मजदूर में देखिए आप खुले हैं आम भाई लोगों को पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, महिलाओं को कम मिलेगा। अगर उसको 500 मिलेगा उसी काम का, सेम काम का, तो उनको 300 मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा अंतर है इस महिलाओं के काम में। तो हम तो चाहते हैं कि सबको समान काम का समान वेतन मिले, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। अगर हम मजदूरों के एंगल से देखें, मजदूरों के नज़रिए से देखें, तो ये जो 4 श्रम कोड लाया गया है, इन 4 श्रम कोडों का मतलब होगा कि मजदूरों ने पिछले 150-200 साल से लड़ के अपना जितना हक अधिकार उन्होंने हासिल किया, सब कुछ को ध्वस्त करना, न्यूनतम मजदूरी तक, न्यूनतम मजदूरी जो मैंडेटरी है, ये लेबर कोड्स कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी भी देने का ज़रूरत नहीं है, लिविंग वेज, मिनिमम वेजेस नहीं, लिविंग वेज देने से चल जाएगा। यूनियन बनाने का जो हक है वो हक पूरी तरीके से ये कोड्स छीनेंगे। उसी के साथ हड़ताल करने का, आज के समय में दिल्ली शहर जो देश का राजधानी है, इसमें अगर कोई भी सर्वे कर ले, कोई भी जानकारी इकट्ठा करे, तो ये बात साफ दिखेगी कि न्यूनतम मजदूरी तक पाना, लगभग दिल्ली में जहाँ पे भी मजदूर संगठित नहीं है वहाँ पे असंभव है। अगर यूनियन बना, लड़ाई लड़ी, तब न्यूनतम मजदूरी तक मिलती है। तो यूनियन बनाने तक का अधिकार ये छीना जा रहा है। उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इस समय दिल्ली भर में G20 दिल्ली के ऊपर से होके गुजरा है, और हमने देखा है कि हजारों घर दिल्ली में तोड़ा गया है। एक तरफ अब जहाँ कामकाज कर रहे हैं वहाँ पे न्यूनतम मजदूरी नहीं है, PF नहीं है, ESI नहीं है, जब मनमाना छटनी है। दूसरी तरफ आपको जहाँ रहना है वो कभी भी बुलडोजर के सामने आ सकता है। तो जो लोग शहर को चला रहे हैं, जो लोग, जो मजदूर इस देश के अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं, न्यूनतम मजदूरी नहीं, PF नहीं, ESI नहीं, कोई श्रम कानून नहीं, और वो जहाँ रहते हैं वो घर भी कभी भी बुलडोजर के बहाने टूट सकता है। तो ये जो भयानक स्थिति है, इस भयानक स्थिति से इस समय इस देश का मजदूर और किसान दोनों गुजर रहे हैं। तो आज का महापड़ाव इसी संदर्भ में बुलाया गया है। केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिता पास किए हैं। ये श्रम संहिता एकदम मजदूरों के खिलाफ उसी प्रकार है जिस प्रकार 3 कृषि कानून थे, जिसको कि सरकार ने किसानों के दबाव में वापस लिया। इस महापड़ाव का हमारा मुख्य मांग है कि 4 श्रम संहिता वापस लिए जाए। इसके अलावा जो सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम बिजली संशोधन बिल नहीं ले आएंगे, लाने से पहले किसानों से हम वार्ता करेंगे, लेकिन वार्ता नहीं किया। इसके अलावा MSP जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि देश के अंदर जो सभी फसलों का MSP होना चाहिए, और MSP के कैलकुलेशन का आधार C2 प्लस 50% मुनाफा, इसका मतलब ये हुआ कि जो लागत है उस लागत में जमीन का भी कास्ट जोड़ा जाना चाहिए, उसके किराए का, बीज का, फैमिली लेबर किसान का, और इसके अलावा 50% अतिरिक्त उसको मूल्य दिया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। इन सब मांगों को लेकर के हमारा ये 3 दिन का महापड़ाव है। ये महापड़ाव में हमारा ठोस मांग जो है, इसमें है हमारा किसानों का मिनिमम दाम हर एक फसल में कानूनी आधार पे इसका संवरण का साथ सरकार कानून बनाना चाहिए, और हमारा सारे किसान परिवारों को कर्जा से जो डूब रहा है उसको कर्जा माफी करने का नारा हमारा है, और हमारा मजदूर का नारा है कि ये जो 4 लेबर कोड है उसको वापस कर लो, उसको मिनिमम वेतन दे दो, 26,000 रुपया मिनिमम वेतन सारे मजदूर को देना चाहिए।
और उसको जो निजीकरण हो रहा है सार्वदेशीय जो सारे हमारा पैसा वो निधि हाथों में भेज रहा है, इसको बंद करना चाहिए। जो रेलवे हो, वो बीमा हो, वो बैंक हो, डिफेंस हो, सब ये बेकरी कर रहा है बड़ा बड़ा कंपनियों को, ये बंद करना चाहिए। हमारा नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए और उनको मिनिमम वेतन का साथ रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। यह सारे मांग लेके हमारा आंदोलन है। हम लोगों ने जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग ली है, मजदूरों की जो यूनियंस हैं उनको एक्टिवाइज किया है, सक्रिय किया है, और उनके जो नीतियां उनको प्रभावित कर रही हैं, उनकी जो अपनी वेतन का सवाल है, रोजगार का सवाल है, ठेकेदारी का सवाल है, इलाज की सुविधा का सवाल है, पेंशन का सवाल है, इन सब सवालों को इस आंदोलन से, इन मांगों से जोड़ते हुए हम उनके बीच में लेके गए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि असंगठित क्षेत्र में ई श्रम कार्ड बनाए गए, जो दिल्ली के अंदर 32 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मगर ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार पिछले 2 साल में कोविड के बाद से अभी तक कोई भी उनके लिए कोई ठोस योजना नहीं ला पाई कि इनको कोई सामाजिक सुरक्षा दी जाए, कोई इनके बच्चों के लिए वजीफा दिया जाए, इलाज की सुविधा दी जाए, पेंशन की सुविधा दी जाए। घोषणा तो है कि डेथ पे और एक्सीडेंट पे इनको जो है राशि मिलेगी, मगर मिला किसी को नहीं। तो जो संगठित असंगठित और सरकारी क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं कि मतलब सैकड़ों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं, मगर उनको सरकार भरेगी नहीं, और मुनाफा कमाने वाले सरकारी संस्थानों को जो है लगातार बेचा जा रहा है, सरकार मान नहीं रही है। तो जनमत लेते समय, इलेक्शंस के समय पर सरकारों की, राजनीतिक दलों की जो वाणी होती है वो अलग होती है, और सत्ता में आने के बाद में वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी पूंजी है उसका मुनाफा कैसे बढ़े उसके लिए रात दिन जो है जुगाड़ में लगे रहते हैं। उसका असर हो रहा है, असर ये है कि प्याज टमाटर आलू 50 रुपये किलो से ऊपर जा रहा है, पार जा रहा है, वेतन हमारे बढ़ नहीं रहे, आमदनियाँ बढ़ नहीं रही हैं, सात आठ हज़ार पे 12 घंटे काम लिया जा रहा है। एक आम इंसान शहर के अंदर दिल्ली NCR में कैसे गुजारा कर पाएगा, ये मूल सवाल हैं, और यही कारण थे जिसकी वजह से इस पूरे अभियान को जन समर्थन मिला है। अगर ये सरकार नहीं चेती, ये मजदूरों के खिलाफ बने हुए श्रम संहिताओं को अगर वापस नहीं लिया तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाल नहीं की, श्रमिकों के हितों में जो कानून है उसको लागू नहीं किया, तो हम लोग फैसला लेंगे वो सरकार नहीं रहेगी जो मजदूर और किसान विरोधी होगी। हम लोग ये चाहेंगे कि ये जो 3 दिन का पड़ाव है ये अभी आगाज है, और तालकटोरा स्टेडियम से तो नारा दिया गया है जो पूंजी प्रस्त नीतियों की वकालत करेगा उसको हमें सरकार से भी अपदस्थ करना है, क्योंकि 9 साल का जो वक्फा रहा, 9.5 साल का एक लंबा पीरियड रहा, किसानों ने 13 महीने आंदोलन चलाया, मजदूरों ने अलग अलग वर्षों में हड़तालें की अखिल भारतीय, अगर इनको अपनी नीतियों के अंदर सुधार करना होता तो ये अभी तक कर चुके होते। तो आम जनता, मजदूर, किसान जो बहुमत उत्पादक करेगा वो पक चुका है, और उसी का आगाज़ है ये 3 दिन का पड़ाव। अभी आंदोलन अभी और तीखा होगा और तीव्र होगा, और देश भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी।